तो दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल इडली उपमा। तो चलिए दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये बहुत ही आसानी से बनाने के लिए, आपके पास अगर इडली बच गया है तो आप इसे उपमा किस तरह बनाते हैं, एकदम फास्ट रेसिपी है, बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है, उनके टिफिन बॉक्स में या ब्रेकफास्ट में आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, मीडियम साइज के प्याज मैंने लिया है और छोटे छोटे पीस में काट लिया है, और हमें चाहिए हरी मिर्च और धनिया के पत्ते। और मैंने इडली को क्या किया है, मिक्सर ग्राइंडर में उसे पाउडर करके ले लिया है। तो सारे की इडली मैंने इस तरह से देखे पाउडर करके ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसका उपमा बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए और हमें चाहिए मूँगफली और काजू मैंने लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले लीजिएगा ना तो ना लीजिएगा। तो मैंने अभी एक पैन रख दिया है, ऑयल ऐड किया है, ऑयल गर्म होते ही हम इस पर ऐड करेंगे राई। तो दोस्तों इस इडली उपमा बनाने के लिए बहुत ही आसान है, आपने भी बनाया होगा, लेकिन उसे आप तुरंत ही इस तरह से क्रश करके बनाया होगा। उससे ज़्यादा आप एक दिन एक रात फ्रिज में रख देंगे इडली को तो इडली एकदम ड्राई हो जाएंगे। तो आप दूसरे दिन उसका मिक्सर ग्राइंडर में आप उसका पाउडर जैसा बना सकते हैं, तो एकदम ड्राई जैसा, रवा उपमा जैसा दिखेगा। तो आप ज़रूर इसे इस तरह ट्राई करके देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए मैंने राई ऐड किया है, अभी हम कैशू नट और मूँगफली ग्राउंडनट को भी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो लास्ट में भी इसे डाल सकते हैं। देखिए मूँगफली अच्छी तरह से रोस्ट हो रहा है, अभी हम कैशू नट भी ऐड करेंगे। उसके बाद हमें इस पर ऐड करना है हरी मिर्च और प्याज। प्याज डेढ़ सारा डालिएगा ताकि उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, और आप चाहे तो हरी मिर्च भी बढ़ा सकते हैं, तिक्का आपके हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। हम हर दिन सोचते हैं क्या बनाएं ब्रेकफास्ट के लिए, क्या बनाएं करके हम हर दिन बहुत टेंशन लेते हैं हम जो हाउसवाइफ लोग, तो हमें फटाफट से बना सकते हैं। ये ऑफिस जाने वाले लेडीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, अगर इडली बच गया तो टेंशन ही लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा, दूसरे दिन सुबह फटाफट से इस तरह से एक रेसिपी बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं। तो ये जो रेसिपी है मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है, उसने ट्राई किया और मुझे बताया बहुत ही अच्छा है करके, तो मैंने इसे ट्राई करके देखा, घर पर सबको दिया तो सबको बहुत पसंद आया, तो मैं इसके लिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने प्याज भी ऐड किया है, प्याज को भी अच्छी तरह से सोते करके लेना है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक चम्मच नमक भी ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, क्योंकि हमारा इडली में ऑलरेडी नमक है, तो उसके हिसाब से आप डालिएगा नमक। तो आपको इस प्याज को कितना चाहिए सॉल्ट उसके हिसाब से डालिएगा दोस्तों। प्याज डालने से जल्दी से इस बहुत ही टेस्टी बनता है इडली उपमा को, प्याज डालने से ज़्यादा। तो अभी हमें ऐड किया है इस पर हल्दी पाउडर भी ऐड करना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके लेना है दोस्तों। और देखिए अच्छे से उसका कच्चे टेस्ट जो है हल्दी का वो निकल गया है। तो अभी हम इस पर ऐड करेंगे इडली, इडली को हम पाउडर करके रखा था वो भी इस पर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिला देंगे। और दोस्तों आपके पास करी लीव्स रहेगा तो करी लीव्स भी ऐड कीजिएगा, तो मेरे पास करी लीव्स नहीं था, इसके लिए मैं धनिया की पत्ता डाल रही हूँ। तो देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है और आप टेस्ट करके देखना अगर नमक है या नहीं। तो दोस्तों बीच में मेरी मिट्टू यहाँ पर बहुत ही आवाज़ कर रहे हैं, उनको तो मैं कुक करेंगे तो उसको तो ज़रूर चाहिए, मैं कुछ भी बनाते तो मेरी मिट्टू भी खाते हैं, उसको बहुत पसंद है, तो इसके लिए बीच में चिल्ला रहे हैं, तो मैं किचन में उसको रखी हूँ। तो देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, तो हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा शुगर, आधा चम्मच शुगर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा टेस्ट बैलेंस के लिए हम शुगर भी ऐड करते हैं, बहुत ही टेस्टी आता है। तो आप चाहे तो इसमें शुगर डाल के मीठा भी बनाकर खा सकते हैं, मैं अगर तिक्का चाहिए तो तिक्का भी ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा सा तिक्का थोड़ा सा मीठा करके आप इडली उपमा बना सकते हैं दोस्तों। आप
आपके बच्चे को दे सकते हैं, आपके हस्बैंड को दे सकते हैं, और आपकी दादा दादी है, पापा मम्मी है, उनको आप दे सकते हैं, उनको तो ज़रूर पसंद आएगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बना है ना, दिखने में तो रवा उपमा जैसे, लेकिन ये इडली उपमा है। तो ये सीक्रेट है, आप सब मेहमान घर पे आए तो अब इस तरह सा बनाकर उन्हें दे दीजिएगा, उन्हें तो पता ही नहीं चलेगा किसका उपमा है, ये रवा का है कि इडली का है। तो एक सरप्राइज करके आप बनाकर दे दीजिएगा दोस्तों। तो इवनिंग में भी आप बनाकर दे सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी। तो दोस्तों फिर थोड़ा 2-3 मिनट हम इसे थोड़ा और चलाते रहेंगे ताकि थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए, तो आपको लगेगा अच्छे से गर्म हो चुका है। दो से तीन मिनट तक इसे मिक्स करना है और ऊपर से धनिया के पत्ते भी ऐड करना है, और अभी हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप में से कोई मेरे वीडियो पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। इडली उपमा आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके पास इडली या डोसा बाकी आए तो टेंशन मत लीजिएगा, इस तरह से आप इडली का उपमा बना सकते हैं, और आप इसका डोसा का भी इस तरह से आप उपमा बना सकते हैं। आप क्या करना चाहिए, पहले इसको एक दिन फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि वो एकदम ड्राई हो जाएंगे, फिर आप मिक्सर में इसको पाउडर कीजिएगा, तो क्या होता है एकदम अच्छे से पाउडरी जैसे मिलेगा, तो आपको लगेगा कि ये रवा उपमा है क्या। तो कोई मेहमान है तो फटाफट से आप इस तरह से उपमा बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों जरूर इसे ट्राई करके देखना, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए नए रेसिपीज लेके, तब तक के लिए बाय।